क्रिस्तोफ जाफरलो की पुस्तक भीमराव अंबेडकर एक जीवनी, जाति उन्मूलन का संघर्ष एवं विश्लेषण के पिछले एपिसोड में हमने चर्चा करी थी शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन और जातिगत राजनीति की, जिसके तहत हमने जाना कि क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट के साथ ही जो संविधान सभा के गठन की मांग उठती है तो डॉक्टर अंबेडकर के पास कोई चॉइस नहीं होती एक बार फिर कास्ट पॉलिटिक्स की तरफ अपना रुझान करने की। वहां पर वे क्रिप्स मिशन की रिपोर्ट को अस्पृश्यों के साथ एक विश्वासघात का दर्जा देते हैं और साथ ही अपनी तीन महत्वपूर्ण मांगों को रखते हैं, जिसमें पहली मांग थी 1942 में एक बार फिर वे अस्पृश्यों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल की मांग को रखते हैं। दूसरी शर्त वे रखते हैं अस्पृश्यों के लिए पृथक गांव की जो हिंदू सवर्णवादियों के वर्चस्व से मुक्त हो। और तीसरी जो वे घोषणा करते हैं वे शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन के गठन की करते हैं। उसके बाद प्रांतीय असेंबलियों के चुनाव में किस तरीके से शुरुआती दौर में वे जीतते हैं लेकिन बाद में वे हारते हैं और कुछ खास इम्पैक्ट जो है SCF छोड़ नहीं पाती आम जन के ऊपर। तो अब हम चर्चा को यहाँ से आगे लेकर चलेंगे और जानेंगे कुछ और फैक्ट्स के बारे में कि किस तरीके से डॉक्टर अंबेडकर समस्याओं से लगातार जूझ रहे थे लेकिन फिर भी अस्पृश्यों के प्रतिनिधित्व को लेकर अपनी मांग पर अड़े हुए थे। तो चलिए मेरे साथ, जय भीम, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं अंबेडकर नामा। अपनी मांगों पर लगातार जोर देने के बावजूद अंबेडकर की अंग्रेजों ने एक ना सुनी। उनका यही मानना था कि 1945-46 के चुनावों में SCF की विफलता के फलस्वरूप न तो उसे एक महत्वपूर्ण पक्ष का दर्जा देने की कोई आवश्यकता है और न ही वह संविधान सभा में किसी खास भूमिका के हकदार है। फुटनोट 43। इजिली Learning the Use of Political Means, page 53। SCF की विफलता ने एक तरफ तो निर्वाचन प्रणाली का हाथ दिखाई देता था मगर दूसरी तरफ इसका एक कारण यह भी हो रहा था कि पार्टी ने बहुत ही कम उम्मीदवार खड़े किए थे। अब उसकी वजह सुनिए। अस्पृश्यों के लिए आरक्षित 151 सीटों में से 129 पर पार्टी के उम्मीदवार ही नहीं उतरे थे। ये बात पार्टी के सांगठनिक कमजोरी को दर्शाती है, जैसा कि बंदोपाध्याय ने जरा तुर्श अंदाज में कहा भी है, संगठन के पास कोई सांगठनिक तंत्र नहीं था। फुटनोट 44। एस बंदोपाध्याय, ट्रांसफर द पावर एंड द क्राइसिस ऑफ दलित पॉलिटिक्स इन इंडिया, 1945-47, मॉडर्न इंडियन स्टडीज, 34/4, 2000, पेज 913। बंदोपाध्याय जी ऐसा कह सकते थे क्योंकि उन्होंने कभी संसाधनों की कमी देखी नहीं है। रिसोर्स की कमी क्या होती है उन्हें नहीं मालूम। डॉक्टर अंबेडकर जिन परिस्थितियों में काम कर रहे थे उसमें रिसोर्सेस का तो कोई मतलब ही नहीं था। पार्टी के पास अलग अलग इलाकों में शाखाओं का नेटवर्क भी नहीं था और उसके पास कैडर भी बस मुट्ठी भर ही थे। वास्तव में पूरी पार्टी ही अंबेडकर पर बहुत गहरे तौर पर आश्रित थी मगर वे वॉयसराय की गवर्नमेंट के सदस्य के रूप में अपनी जिम्मेदारियों के चलते चुनाव अभियान में ज्यादा समय नहीं दे पाते थे। जीलियट ने इस बात को रेखांकित किया है कि इस दौरान अंबेडकर व्हाट कांग्रेस एंड गांधी हैव डन टू अनटचेबल्स के लेखन में भी व्यस्त थे। फुटनोट 45। इजिलियट डॉक्टर अंबेडकर, पेज 265। ये इस बात का एक और संकेत है कि वे जितने बड़े राजनेता थे उतने ही बड़े बुद्धिजीवी भी थे मगर वे एक सांगठनिक व्यक्ति तो किसी सूरत में नहीं थे। उनके पास इन सब चीजों के लिए बहुत ज्यादा समय भी नहीं रहता था। संगठन का विकास करने के लिए पूरा फुल फ्लेज अपने आप में ये काम होता है और डॉक्टर अम्बेडकर के पास दूसरे काम भी बहुत थे, तो सीधे तौर पर ये कह देना कि उनके पास सांगठनिक व्यक्ति वे नहीं थे ये पूरी तरीके से सच मुझे नहीं लगता। SCF की विफलता के पीछे कांग्रेस की अभूतपूर्व लोकप्रियता भी एक बड़ा कारण थी। स्वतंत्रता आंदोलन के प्रति उनके समर्पण के कारण कांग्रेस अस्पृश्यों में भी खूब लोकप्रिय थी। इसके विपरीत अंबेडकर को वॉयसराय की गवर्नमेंट का सदस्य होने के नाते गैर देशभक्त भी माना जा रहा था। अक्सर कमेंट सेक्शन में भी इस चीज को लिखा जाता है कि डॉक्टर अंबेडकर जो है वो गद्दार थे। ऐसी कोई बात नहीं है। अपने लोगों का प्रतिनिधित्व चाहना, अपने लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना, भारत जैसे जहां विभिन्न समूहों से मिलकर एक राष्ट्र बन रहा है, कोई गद्दारी नहीं है। गद्दारी तो वे लोग करते हैं जो दूसरों की हकमारी करते हैं।
स्थानीय स्तर पर उनको गद्दार के रूप में पेश किया गया। उदाहरण के लिए ये बात नागपुर में चले चुनाव प्रचार के दौरान साफ दिखाई भी दी। फुटनोट 46। वी मून ग्रोइंग अप अनटचेबल इन इंडिया पेज 102। मून ने यह भी कहा कि अखबार सुनियोजित ढंग से ये भावनात्मक प्रोपेगेंडा भी फैला रहे थे कि अंबेडकर की पार्टी आजादी के खिलाफ है। पूर्वोत्तर पृष्ठ 96। तो भगत सिंह की राइटिंग्स में भी भगत सिंह ने लगातार इन सब चीजों को कहा है, सांप्रदायिक दंगे और उनका इलाज, इस तरीके के जो लेख हैं उनके सांप्रदायिक दंगों को लेकर, उसमें भगत सिंह ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि दंगा भड़काने में सबसे बड़ा हाथ जो है वो मीडिया का भी रहता है, अखबारों का रहता है। तो उस वक्त भी अखबार जो थे वो डॉक्टर अंबेडकर को किसी सूरत में डीफेम करने से पीछे नहीं थे। यहां तक कि डॉक्टर अंबेडकर ने अपना इस्तीफा देते वक्त भी सबसे पहली वजह यही रखी है कि मैं चाहता तो प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस में जाकर बिना किसी शोर शराबे के अपना इस्तीफा दे सकता था, लेकिन मैंने संविधान सभा के बीच में इसको पढ़कर देना इसलिए उचित समझा, नहीं तो कल अखबार ये लिख देते मेरे बारे में कि मुझमें काबिलियत नहीं है। ये बात उन्होंने स्पष्ट तौर पर कही है अपने इस्तीफे में जो हिंदू कोर्ट बिल के चलते उन्होंने दिया था। तो डॉक्टर अंबेडकर शुरू से ही जानते थे कि यहां का मीडिया किस तरह काम करता है, तब से आज तक कोई फर्क नहीं हुआ है। एससीएफ के प्रभाव में बहुत मामूली इजाफे के फलस्वरूप धीरे धीरे अंबेडकर को आईएलपी की रणनीति पर फिर से सोचने का मौका मिला, ताकि वे अस्पृश्यों के दायरे से परे जाकर भी समर्थन हासिल कर सकें, हालांकि एक अलग ढंग से। तो अपने लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखने के लिए डॉक्टर अंबेडकर कभी जात से जमात की ओर जाते थे तो कभी जमात से जात की ओर लौटना उन्हें पड़ता था, फोर्सफुली हालांकि ये करना पड़ता था उन्हें। लेकिन डॉक्टर अंबेडकर ये अच्छी तरह समझ चुके थे कि बिना दूसरों का समर्थन लिए हुए, बिना अपनी विचारधारा का फैलाव किए हुए अपने लोगों के अधिकारों को सुरक्षित रखना पॉसिबल नहीं होगा। एससीएफ से आरपीआई तक आईएलपी की वापसी, इंडियन इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी, एक तरफ लेबरिंग क्लासेस पर केंद्रित और दूसरी तरफ एक पृथक अस्पृश्य पहचान को पुष्ट करने वाली इन दो तरह की पार्टी निर्माण और रणनीतियों के बीच अंबेडकर की उभय निष्ठा आजादी के बाद भी दिखाई दे रही थी। तो डॉक्टर अंबेडकर बेहद ईमानदारी से अपना काम कर रहे थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ आजादी मिल गई और उसके बाद सारी बात रफा दफा हो गई। वे लगातार जब तक जीवित रहे लगातार संघर्ष ही करते रहे। एससीएफ के 1951-52 के चुनाव घोषणा पत्र में भी ज्यादा समानता की आवश्यकता पर जोर दिया गया था और शासन में आरक्षण व शिक्षा के माध्यम से पिछड़े वर्गों के स्तरोन्नयन पर जोर दिया गया था। इस घोषणा पत्र में ऐसे भूमि सुधारों के लिए भी आवाज उठाई गई थी जिसमें अस्पृश्यों तथा अन्य पिछड़े वर्गों विद इन ब्रैकेट अस्पृश्यों यानी मुख्य रूप से शूद्रों के अलावा बाकी पिछड़े वर्ग जिनमें अभी अभी 1950 के संविधान में विशेष सहायता का आश्वासन दिया गया था का लाभ होगा। फुटनोट 47। द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन मैनिफेस्टो इन एसपी सिंह सूद एंड अजीत सिंह सूद एडिट्स इंडियन इलेक्शंस एंड लेजिस्लेटर्स लुधियाना ऑल इंडिया पब्लिकेशंस 1953 पेज 39-40। हालांकि एससीएफ का फोकस जातिगत राजनीति पर ही था, मगर उसने वर्ग को नजरअंदाज भी नहीं किया था। अपने घोषणा पत्र में पार्टी ने मनुष्य द्वारा मनुष्य के ऊपर, वर्ग द्वारा वर्ग के ऊपर और राष्ट्र के द्वारा राष्ट्र के उत्पीड़न व शोषण के खिलाफ लड़ाई लड़ने का संकल्प व्यक्त किया था। फुटनोट 48। अगेन सेम बुक द शेड्यूल्ड कास्ट फेडरेशन मैनिफेस्टो पेज 39। घोषणा पत्र में मार्क्सवादी स्वर इस बात से भी जाहिर होता था कि पार्टी ने कृषि सामूहिकीकरण और बीमा राष्ट्रीयकरण के लिए सिफारिश की, मगर जाति के विमर्श को संतुलित करने के लिए न केवल वर्ग को महत्व दिया जा रहा था बल्कि एक ऐसे सार्वभौमवाद पर भी जोर दिया जा रहा था जो अंबेडकर को प्रबोधकालीन दार्शनिकों और चिंतन से मिला था। एससीएफ जिस तरह की समानता की वकालत कर रही थी वे फ्रांसीसी रिपब्लिकन विचारों से प्रेरित थी।
जिसको पार्टी के चुनावी घोषणा पत्र में सबसे स्पष्ट शब्दों में दोहराया गया था और इस बात पर जोर दिया गया था कि प्रत्येक भारतीय अपने आप में एक लक्ष्य है और उसके पास अपने विकास का पूरा अधिकार है। चुनाव घोषणा पत्र में एक संसदीय किस्म की शासन व्यवस्था का भी उल्लेख किया गया था, जिसको संविधान, जिसके पाठ का मसविदा, जैसा कि हम नीचे देखेंगे, अंबेडकर ने लिखा था, ने हाल ही में स्थापित किया था और जिसको जनता और व्यक्ति दोनों के हित में सर्वश्रेष्ठ शासन पद्धति बताया गया था। इतना ही नहीं, SCF विशुद्ध राष्ट्रवादी एवं आधुनिक भी बनना चाहती थी। तो आज का ये एपिसोड हम यही विराम देते हैं। इसके आगे बहुत सारी चीजें हैं और भाषा जो है वो बहुत ज्यादा कलिष्ठ होती चली जा रही है, इसलिए हो सकता है आप लोगों को समझने में दिक्कत आए अगर बहुत लंबा एपिसोड आज का बने। तो इसको यहीं पर विराम देते हैं और अगले एपिसोड में और ज्यादा जानेंगे कि इंडिपेंडेंट लेबर पार्टी के मैनिफेस्टो में और क्या क्या चीजें थी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के साथ किस तरह उनको मिलाकर काम किया जा रहा था और इसमें डॉक्टर अंबेडकर को कितनी सफलता मिली। आज के लिए इतना ही, अगले एपिसोड तक इंतजार कीजिए। लेकिन अंबेडकर नामा को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स पर भी इसको स्प्रेड करना ना भूलें। धन्यवाद।